कैसे आप सभी, मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसान सम्मान निधि का फॉर्म भर सकते हैं, किसान सम्मान निधि को अप्लाई किस तरीके से करेंगे, क्या आपके पास बैंक पासबुक होना जरूरी है, अगर नहीं होता है तो क्या आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास बैंक पासबुक की कॉपी होनी ही चाहिए, आपके पास बस एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी NPCI कंप्लीट होनी चाहिए, जिस NPCI से आपका अमाउंट आपके खाते तक आता है। तो इसको किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, किसान सम्मान निधि को किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, किस तरीके से कस्टमर का फिंगर लगाएंगे, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, वो भी लाइव करके दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि किस तरीके से आप किसान सम्मान निधि का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको भूलेख की साइट खोलनी होगी, वहाँ से आपको जिस भी कैंडिडेट का नकल है उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप CSC के थ्रू किसान सम्मान निधि का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप कस्टमर का किसान सम्मान निधि का फॉर्म भरेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी जनपद है, तहसील है और ग्राम का नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे गाटा संख्या या फिर जो भी आपको यहाँ पे आपके पास है उसको आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे उत्तरण देखे पे क्लिक करेंगे। उत्तरण देखे पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कि आपको एक कैप्चा को फिल करना होगा। तो चलिए हम कैप्चा को जल्दी से फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी कैप्चा आपने फिल किया हुआ है उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि वो उनकी जिसकी भी नकल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ से आप चाहें तो प्रिंट कर दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे इसको आप PDF में सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से इसको सेव वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आगे वाली प्रोसीड करने के लिए हमें जाना होगा अपने CSC पोर्टल पे। चलिए यहाँ हमने अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि PM किसान सम्मान निधि यहाँ पे लिखेंगे और आप इसको सर्च कर देंगे। जब आप इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा कि PM किसान सम्मान निधि। अब यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सटर्नल लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ पे CSC लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कुछ देर तक ये सर्च करेगा, फिर आपके ये CSC जो पोर्टल है आपका उस पर लेके जाएगा और ये आपसे CSC ID और पासवर्ड पूछेगा। और जब आप इसको CSC आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं उसके बाद कैप्चा को आपको अच्छे तरीके से फिल करना होगा। जब कैप्चा को आप फिल कर लेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। साइन इन ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आप इसको साइन इन कर देंगे। जब आप इसको साइन इन करेंगे यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले जिस भी किसान का आप ऑनलाइन करना चाहते हैं उस किसान का आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ये आपका जो CSC ID का जो पासवर्ड है उसको पूछेगा। उसके बाद आपको यहाँ से वैलिडेट करना होगा और यहाँ पे आपसे वैलिड पिन पूछेगा। जब आप इसके वैलिड पिन को डाल लेते हैं तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। जब आप इसको पे कर लेते हैं तो पे करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालना होगा जो उनके आधार में जुड़ा होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर को डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर को फिल कर लिया है। अब जब मैंने मोबाइल नंबर को फिल कर लिया है, यहाँ पे जो ऑप्शन है गेट OTP पे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एंटर मोबाइल OTP पे आपका यहाँ पे एक OTP गई होगी और उस OTP को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। जब आप इसको फिल करेंगे तो उसके आगे का प्रोसीड आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए मैंने OTP डाल लिया और यहाँ पे मैंने सबमिट भी कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे वही ऑप्शन आपको दिखेंगे। क्या दिखेंगे कि इसमें कैप्चर फॉर ई के वाई सी बाई मार्को डिवाइस, कैप्चर फॉर ई के वाई सी मांद्रा आयरिस
V2, यहाँ पे ये सभी मशीन्स आपको शो करेंगे जिससे भी आप फिंगर को स्कैन कराना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कैप्चर फॉर EKYC बाय मार्को डिवाइस यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो आपके सिस्टम में जो भी डिवाइस लगी होगी वो डिवाइस जो है उसका जो लाइट है वो जलने लगेगा और यहाँ पे उसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पे कैप्चर करने के बाद यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये कुछ देर तक आपसे ये सभी डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आपको सबसे पहले स्टेट दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। सब डिस्ट्रिक्ट जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे आपको ब्लॉक को सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ पे ब्लॉक को भी डाल लेते हैं। ब्लॉक डालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपका विलेज कौन सा है। तो विलेज के लिए जब आपका ब्लॉक यहाँ पे सर्च कर लेगा अच्छे तरीके से, उसके बाद यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि विलेज आपका कौन सा है। तो यहाँ पे आपको विलेज को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप यहाँ से विलेज को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी जो है यहाँ पे आपको कैटेगरी शो होगी। अब जब यहाँ पे कैटेगरी को आप डाल लेंगे यहाँ पे आपको कोई एक मोबाइल नंबर आपको डालना होगा और यहाँ पे लैंड जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा और यहाँ पे जो PM किसान मानधन योजना है उसके तहत अगर आप हैं तो यहाँ पे यह सुनो करेंगे। यहाँ पे सिंगल है कि जॉइंट है, यहाँ पे आपको जॉइंट पे क्लिक कर देना होगा या फिर अगर सिंगल हो तो सिंगल पे। यहाँ पे हमने डिटेल्स को फिल कर लिया है। डिटेल्स को फिल करने के बाद जो भी आपके पास लैंड डिटेल का सर्टिफिकेट हो उसको आपने यहाँ पे चूज फाइल पे जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं सेव वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे आया और यहाँ से मैंने इसको सेव भी कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डिटेल्स है वो सेव हो चुकी है और रिकॉर्ड हैज़ बिन इंसर्टेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी इज़ इतना, मतलब कि जो भी मैंने अभी रिकॉर्ड किया हुआ है वो जो मैंने अभी फॉर्म भरा हुआ है उस फॉर्म का ये जो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब इसको आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं और ये कुछ दिनों बाद ये पोर्टल पर दिखाने लगेगा, PM किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।